फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन स्टडी बाइट्स को और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन मिलते रहें और नॉलेज आपकी बढ़ती रहे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रतीक्षा और आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे एक बुक का कवर दिखाई दे रहा है, जो है युक्ति प्रकाशन की बुक। और इसमें दिए हैं फिजिक्स से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस बुक के बारे में और कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं इसके। तो ये जो बुक है इसके बारे में है, ये क्विक रिवीजन है और सेल्फ क्रैश कोर्स सीरीज़ है इसमें। और इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे, चैप्टर वाइज मिलेंगे। और इसमें तालिकाओं द्वारा संपूर्ण विज्ञान के महत्वपूर्ण बिंदुओं का सार है और पिछले 20 वर्षों से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट तो है ही, साथ ही ये IAS, PCS, SSC, बैंक, रेलवे, TET, BEd, NDA, CDS, पुलिस, TGT, PGT और ऐसी परीक्षाएँ जिनमें साइंस आता है, साइंस का पार्ट आता है, तो उस सभी परीक्षाओं के लिए ये बुक इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं इस बुक में क्या है, क्या जो पॉइंट्स हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, तो इनको ध्यान से पढ़िए। तो मैं इनको क्विक रिवीजन है तो जल्दी जल्दी पढ़ूंगी, अगर आपको आराम से पढ़ना है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, उसे आराम से पढ़ सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड हो नेक्स्ट तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच जाए। तो आज का जो फर्स्ट पॉइंट है वो है यांत्रिकी। तो यांत्रिकी से संबंधित पॉइंट है और आपके जो सिलेबस दे रखा है उसमें भी यांत्रिकी पॉइंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसका, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? आंसर है वातावरण में ध्वनि। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? आंसर है विद्युत धारा। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का SI मात्रक है? आंसर है न्यूटन मीटर। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? आंसर इज 1971। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई से माप सकते हैं? आंसर इज कैलोरी। विद्युत मात्रा की इकाई है? आंसर इज एम्पियर। नेक्स्ट है SI पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो डायोप्टर। कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। जूल इकाई है ऊर्जा की। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धार्मिकता की। दाव का मात्रक है पास्कल। कार्य का मात्रक है जूल। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। जड़त्व का माप क्या है? द्रव्यमान। एंगस्ट्रॉम का क्या मापता है? तरंग दैर्ध्य। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो राइट आंसर इज ब्रह्मगुप्त। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो घड़ी होगी सुस्त। प्रकाश वोल्टेज सेल को प्रयोग से और ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है? प्रकाशीय ऊर्जा का। नेक्स्ट है, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाई जाती है स्थितिज ऊर्जा। उपलावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं आर्कमिडीज। द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। नेक्स्ट है, वेग, संवेग और कोणीय वेग कैसी राशि है? आंसर है सदिश राशि। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। यदि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? आंसर है जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है, न्यूटन के किन नियमों का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? आंसर है इसका तीसरा गति नियम। नेक्स्ट है, 20 किलोग्राम के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य है? आंसर है 0 जूल। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है कोई भी कार्य नहीं। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक
जाता है क्योंकि शक्ति संरक्षण हेतु। पीसा की एक ऐतिहासिक मीनार तिरछी होती हुई भी नहीं गिरती है क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। नेक्स्ट है, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर सेकंड के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है और 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 29.4 मीटर सेकंड। एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है और गुरुत्व जनित जी इक्वल्स टू 10 एम एस माइनस 1 है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण जी ई अपॉन एस 6 है तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान होगा। तो इसका आंसर है -100 किलोग्राम। नेक्स्ट है, पावर शक्ति का एसआई मात्रक वॉट किसके समतुल्य है? आंसर है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड। नेक्स्ट है, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार वही रहेगा। एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण है तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? आंसर है न्यूटन। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश। नेक्स्ट है, पास्कल इकाई है तापमान की। एक किलोग्राम सेंटीमीटर दाब समतुल्य है 0.1 बार के क्यू सेक से क्या मापा जाता है? तो जल का बहाव। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो त्वरण के साथ नीचे। कौन सी ऊंचाई भूस्थिर उपग्रहों की है? तो 36,000 किलोमीटर। महान वैज्ञानिकों आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? तो आंसर है ग्रीस से। पानी की बूंदों को तेले पृष्ठों पर न चिपकने का कारण है आसंजक बल का अभाव। तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द पश्चिम से पूर्व। नेक्स्ट है, पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य है स्थैतिक घर्षण को क्षैतिज घर्षण में बदलना। नेक्स्ट, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? तो आंसर इज आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। नेक्स्ट है, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? आंसर इज नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। किस कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो उसमें नियम लागू होता है गति का पहला नियम। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। नेक्स्ट है, लोलक का आवर्तकाल टाइम पीरियड लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? क्योंकि लोलक की जो लंबाई बढ़ जाती है जिससे कई इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल -2% बढ़ जाएगा। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय दुगना होता है। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि बढ़ेगी। नेक्स्ट है, एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी? तो आंसर दिख रहा है आपके सामने p² / 2m। नेक्स्ट है, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है या अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। नेक्स्ट है, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा। कक्षा में अंतरिक्षयान में भारहीनता की अनुभूति का कारण कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह है न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। नेक्स्ट इज, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो आंसर है इसका तृतीय नियम। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाव कम हो जाता है।
बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट है कि सी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। किसी भी स्तर या गतिशील वस्तु की स्थिति या और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। नेक्स्ट है कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य को ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश। तो ये नियम है ऊर्जा संरक्षण का नियम। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक एक प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है। आंसर है इसका पास्कल के सिद्धांत। नेक्स्ट है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। आंसर है द्रव्यमान। नेक्स्ट है शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की का समान त्वरित होता है। नेक्स्ट है दो वेक्टर जिनका मान अलग है तो आंसर है उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। तो आपके सामने फॉर्मूला दे रखा है। नेक्स्ट है रेल की पटरियां अपने वक्र कर्व्स पर किस कारण से बैंक की गई होती हैं। आंसर है रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटकर से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है। तो वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। नेक्स्ट है कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह है आंसर अंदर की ओर झुकता है। नेक्स्ट है क्रीम सेपरेटर में दूध में से वसा को किस कारण से अलग किया जा सकता है। आंसर है इसका अपकेंद्रीय बल के द्वारा। नेक्स्ट है सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। आंसर इस नाभिक के संलयन द्वारा। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है तो नाभिक के संलयन द्वारा। नेक्स्ट है पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा। तो आंसर है इसका उतना ही रहेगा। नेक्स्ट है पानी से भरी डांट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। नेक्स्ट है लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है तो कैपिलरी क्रिया के कारण। नेक्स्ट है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। तो आंसर है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। आर्कमिडीज का नियम किससे संबंधित है तो प्लवन का नियम। नेक्स्ट है तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम है। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने के कारण पृष्ठ तनाव, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है सही तनाव के कारण। एक द्रव बूंद की प्रकृति गोल आकार लेने की होती है जिसका कारण है पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट है स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह लार्वा के सांस में बाधा डालता है। नेक्स्ट है पानी से निकलने वाले पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट है स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, गेंद गिरती है उसके हाथ में। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आंसर इसका रैखिक संवेग के संरक्षण का सिद्धांत। नेक्स्ट है दूध से मक्खन निकाल लेने पर दूध का घनत्व घटता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। नेक्स्ट है जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। नेक्स्ट इज अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता। संवाहक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और वह बाहर चली जाती है। नेक्स्ट इज हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है। नेक्स्ट इज धक्का सह प्रायः स्टील के बनाए जाते हैं क्योंकि उसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है। नेक्स्ट इज चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि यह सूर्य से प्रकाश पाता है।
नेक्स्ट इज एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर है, तो आंसर है 746 वाट। एक कार की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त करेंगे तो आंसर है 10 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट है तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब सहसा कम हो जाए। नेक्स्ट इज अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद घोल में तैरता है, क्योंकि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए, आंसर है अपने हाथ बाहर की तरफ फैला दें। नेक्स्ट इज 54 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग का मान है 50 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट इज न्यूटन मीटर मात्रक है ऊर्जा का। नेक्स्ट है एक भूस्तर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है, यह उपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। नेक्स्ट है स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है, आंसर है बैटरी से। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आई होप आपको अच्छे लगे हों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट्स में बताइए। अभी इसका पार्ट टू भी रह गया है तो इसको भी ज़रूर देखिए, और उसका सेकंड पार्ट भी मैं अपलोड करूँगी क्योंकि काफ़ी सारे अभी पॉइंट्स रह गए हैं। और फिजिक्स से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको भी मैं टाइम टू टाइम अपलोड करती रहूँगी। तो अभी के लिए मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।